धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, चेहरे की राजनीति दरअसल बहुत मेरी मानी जाए तो बहुत लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है। कोई चेहरा जो बनता है वो उसे पार्टी बनाती है, वो वैचारिक आधार पर जो उसके साथ लोग जुड़ते हैं वो उसको चेहरा बनाते हैं। तो हमने देखा है बीते 7-8-9 सालों में कि जो सिर्फ एक ही चेहरा उभरा है, और वो जो चेहरा है वो एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी का। उसके चलते कोई दूसरा चेहरा अब मतलब स्थानीय चेहरे तो रहे नहीं, वो जुगनू की तरह चमक रहे हैं। तो जुगनू कभी चुनाव जिता सकते हैं? आपको नहीं जिता सकते हैं। हालांकि हमने ये एक दौर ये भी देखा है और इतिहास में भी पढ़ा है और अपनी पत्रकारिता के दिनों में भी देखा है कि जब केंद्रीय नेताओं के, यहां तक कि प्रधानमंत्री के चेहरे से भी ज्यादा ताकतवर चेहरे प्रादेशिक प्रदेशों में होते थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, राष्ट्रीय स्तर के नेता होते थे और वो जो चेहरे होते थे उन चेहरों को लोग पसंद करते थे क्योंकि वो एक वैचारिक आधार पर हुआ करते थे। अब चेहरे कहाँ से होते हैं? अब चेहरे तो जेब से निकलते हैं ना। अब मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किसको करें? आप तो ये होता है कि चुनाव जीतिए और उसके बाद जेब से एक मुख्यमंत्री का नाम फेंक दीजिए। हमने उत्तराखंड में देखा, हमने गुजरात में देखा, हमने झारखंड में देखा और भी कई जगहों पर हमने देखा किस तरह से ताश के पत्तों की तरह फेंटे गए हैं चेहरे। तो वो चेहरे जो होते हैं, जो जो जेबी चेहरे होते हैं, पॉकेट चेहरे जो होते हैं, वो उनके आधार पर आवाम नहीं वोट करती है। तो दरअसल और दूसरी चीज अब क्या हुई है, जेबी चेहरे निकालने का नुकसान ये हुआ है कि आप देख लीजिए, 7-8 सालों में अपवाद के तौर पर लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, 2019 वाला या 14 के बाद तो आए ही थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन 15 राज्य हैं जहां पर चेहरा उनका नहीं चला, वो अपने आप को चेहरे की तरह पेश करते हैं। आपने अभी बताया, एक राज्य का उदाहरण दिया कि वहां तो उन्होंने कहा ही था कि मुझे देखिए, बाकी सब भूल जाइए। तो जब मुझे देखने वाली बात होती है तो फिर पंजाब में चेहरा नहीं चलता, दिल्ली में तो 3-3 बार चेहरा नहीं चला, तो दिल्ली में चेहरा नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, हरियाणा में नहीं चला, राजस्थान में नहीं चला, उड़ीसा में नहीं चला, छत्तीसगढ़ में नहीं चला, मध्य प्रदेश में नहीं चला, राजस्थान में नहीं चला, कितने राज्य बताऊं, महाराष्ट्र में नहीं चला, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में नहीं चला। तो जब जो चेहरा अब ऐसा खरा सिक्का खोटे सिक्के में तब्दील हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए जो वास्तव में स्थानीय चेहरे के पात्रता को रखते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। क्यों? पार्टी इसलिए उनको अवसर नहीं देती क्योंकि वो उस केंद्रीय चेहरे के समर्थक नहीं है, वो केंद्रीय चेहरे की गुडबुक में नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब यही हो रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास बात यह है कि दोनों ही आदिवासी प्रदेश हैं और आदिवासी प्रदेशों में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि जो बस्तर के आप कोंडा गांव में जाएंगे, जगदलपुर में जाएंगे, भानुप्रतापपुर में जाएंगे या सरगुजा में जाएंगे, रायगढ़ में जाएंगे, लेलुंगा में जाएंगे, कहीं भी जाएं आप नंद कुमार साय को तो लोकप्रिय पाएंगे, उनका चेहरा लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं जानते। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह चुका हूं। दूसरी चीज क्या है, अंतिम बात इस चरण में, कि देखिए प्रधानमंत्री जी चेहरा तो हैं लेकिन अब ये चेहरा अपने यश के नुकीले शिखर पे पहुंच चुका है। अब इसके ऊपर चेहरा कहां जाएगा? जब आप यश के चरम शिखर पे हो, नुकीले शिखर पर हो, तो चोटी पर हो, तो फिर तो ढलान में ही आपको जाना है ना। इसलिए 15 चुनाव में लगातार आपको हार मिल रही है। तो अब आप चेहरे नहीं रहे, ये पार्टी को समझना पड़ेगा। लेकिन पार्टी समझे कैसे? एक पार्टी में तो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया अध्यक्ष है और यहाँ पॉकेट से निकाला गया अध्यक्ष है, तो पार्टी भी कैसे समझेगी? तो यही एक बात है जो मुझे लगता है कि आपने कहा कि क्यों चेहरा नहीं घोषित कर पा रही है, चेहरे जो है उनको घोषित नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भरोसे के नहीं है जी।